हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर नेम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है भी ये, कंपटीशन लेवल में भी काफी बार इसी से क्वेश्चन बनते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं, आते ही आते हैं इससे। तो ये देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले तो परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन का है? हिंदी में तो समझ गए होगे मीनिंग क्या होगा, कॉम्बिनेशन समझते हो, लेकिन परमुटेशन का देखो। यदि हमारे पास ए बी सी थ्री लेटर है इंग्लिश के, ए बी सी, अब इनको हम पेयर में इकट्ठा करें, अलग अलग टू टू का पेयर लें, तो कितनी तरह से बना सकते हैं। देखो टू टू के पेयर में ए बी लेंगे, बी सी लेंगे या सी ए, टू टू के पेयर में तो ये हो गए। इसको तो कहेंगे कॉम्बिनेशन, टू टू का पेयर, यानी दो दो का कोई भी दो ले लिया हमने, ए बी ले लिया या बी सी ले लिया या ए सी, तो ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में भी इसका हम दो तरह से लिख सकते हैं। देखो आप इसको ए बी और इसको लिख दिया बी ए, या तो इसको ए बी लिख दिया या बी ए, यानी ग्रुप इस तरह लिख दिया। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी या सी बी। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, सी ए या ए सी। तो इसको कहेंगे परमुटेशन। ये हमारा परमुटेशन आ गया। ये परमुटेशन है और ये क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या है, उसका ग्रुप बनाना हमने टू टू का। और परमुटेशन में हम उसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर क्या क्या ऑर्डर से भी इसके ग्रुप बनेंगे, यानी इसमें ऑर्डर भी शामिल होगा कि उसका। और इसमें हमने इसका ऑर्डर नहीं देखना, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं देखना, केवल ग्रुप बनाने। और परमुटेशन में हमने उसके ऑर्डर भी बनाना है। तो परमुटेशन में करते हैं, तो सिक्स और ये क्या हो गया, थ्री टाइम। तो ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का शॉर्ट फॉर्म यानी उसका सबसेट होता है ये आपका कॉम्बिनेशन। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं और आगे इसके आएंगे वो बताएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो सिंपल है भी, जो आपकी रीजनिंग से रिलेटेड है, आराम से बना सकते हो। देखो इसके क्वेश्चन देखोगे फर्स्ट के क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट सिक्स सीट्स आर वैकेंट ऑन ए बेंच, इन हाउ मैनी वेज कैन थ्री पैसेंजर सीट ऑन देम। भाई एक रेलवे का कंपार्टमेंट है, उसमें सिक्स सीट है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सीट है, और पैसेंजर कितने हैं, थ्री पैसेंजर है, तो वो कितनी तरह से इसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये है क्वेश्चन, कितनी तरह से वो बैठ सकते हैं थ्री पैसेंजर। देखो बिल्कुल रीजनिंग का सोच के देखो किस तरह बढ़ेगा। तो देखो किस तरह बैठेंगे, फर्स्ट पैसेंजर होगा वो कैन सीट। कितनी तरह से, जब वो फर्स्ट पैसेंजर उसमें ट्रेन में आएगा तो छह की छह सीट खाली है, तो किसी पर बैठ सकता है, इस पर भी, फर्स्ट पर भी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, किसी पर बैठ सकता है, यानी सिक्स वेज हो जाएगी, छह तरह से वो बैठ सकता है उसके ऊपर किसी पर भी। अच्छा वो बैठ गया, मान ली इस पे बैठ गया, अब सेकंड पैसेंजर आएगा वो कितनी तरह से, कितने ऑप्शन उसके पास, एक तो बुक हो गया तो उसके पास बच गए फाइव, तो कितनी तरह से बैठ सकता है, फाइव वेज वो फाइव। थर्ड पैसेंजर आएगा वो कितनी तरह से बैठ सकता है, फिर उसके कितने बचेंगे, ये भी बुक हो गए तो फोर ही तो सीट बची, तो उसके लिए क्या हो जाएंगे, फोर वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे,
कितने आ जाएंगे इन सब की मल्टीप्लाई 6 5 × 4 तो 120 हो जाएंगे। 120 तरह से वो बैठ सकते हैं। देखो 6 ये क्यों लिया, ये इस पे बैठ जाए फिर ये इस पे, ये इस पे, या ये है वो इस पे बैठे वो इस पे, तो आपस में वो मल्टीप्लाई में होंगे। तो इतनी तरह से वो इस सीट पे 6 सीट पे वो बैठ सकते हैं 3 पैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जॉन वांट्स टू गो अबाउट बाय ए शिप एंड रिटर्न बाय एयर। जो जॉन है वो अबाउट में क्या जाता है, अभी शिप से जाता है और एयरलाइन से वापस आता है। ये शिप एंड गो टू फोर एयरलाइन टू गो एंड फोर एयरलाइन टू रिटर्न इन हाउ मैनी वेज कैन ही परफॉर्म हिज जर्नी। वो अपनी जर्नी को कितनी तरह से कर सकता है। तो ये देखो वो शिप से जाएगा तो शिप से जाने के लिए कितने उसके पास ऑप्शन है, अभी 6 डिफरेंट। जॉन कैन गो यानी 6 वेज, 6 तरीके हैं उसके पास जाने के, क्योंकि 6 शिप्स हैं वो किसी से जा सकता है, तो 6 तरह से हो गए। और वापिस आने के लिए कितने हैं, जॉन कैम बैक, कैम बैक किसके लिए कितने हो जाएंगे, 4 वेज, 4 एयरलाइन है, तो किसी एयरलाइन में वो आ सकता है, 4 उसके लिए ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वेज ही कैन परफॉर्म विद जर्नी 6 × 4 यानी 24 वेज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 24 वेज से वो अपनी जर्नी को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, देर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। 4 रूट है अभी, यहां दिल्ली है यहां मुंबई है, यहां पर रूट है 1 2 3 4, 4 रूट है यहां जाने के, कोई भी किसी भी रूट से जा सकते हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न इफ जर्नी एनी ऑफ द रूट्स इज टेकन। फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, कोई भी जाने के लिए कितने कर सकता है, कितनी तरह से वो जा सकता है, भी कोई भी रूट से जाए किसी भी रूट से वापिस आ जाए, वो ये है। तो देखो वो पहले किसी से जाएगा यानी उसके पास कितने हैं, ही कैन गो, कितनी तरह से, चारों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकता है, को यानी 4 वेज, 4 तरह के रास्ते हो जो किसी में चला जाए। और कैम बैक के लिए, कैम बैक के लिए कितने हैं, अभी कैम बैक के लिए भी 4 ही है, किसी से वापस आ सकता है, 4 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 × 4 16 वेज। 16 वेज किस तरह, अभी देखो पहले 1 से गया और 1 से ही वापिस आ गया, 1 से गया 2 से आया, 2 1 से गया 3 से आया, 3 1 से गया 4 से आया, 4 हो गए, यानी 1 से गया और किसी से वापिस आया 4, इसी तरह 2 से गया और किसी से भी वापिस आएगा 4, ये 3 से गया किसी से वापिस आया 4, ये 12, 4 से गया और किसी से वापिस आया 4, ये तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए 16। और सेकंड क्वेश्चन इसी में है कि वो जिससे जाएगा उससे वापिस नहीं आएगा, जिससे वो गया उससे रास्ते से वापिस नहीं आएगा कि दूसरे से आएगा, तो जाने के लिए तो कितने हो गए, 4 वेज हो गए भी।
लेकिन जिससे गया है उससे वापिस नहीं आएगा, तो उसके आने के वापिस थे तो थ्री तो बच गए, तो आने के कितने वेज हो गए, थ्री वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, फोर इंटू थ्री यानी ट्वेल्व वेज, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए इसके वापिस आने। तो ये था इसका वापिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर। देखो थ्री लेटर का हमने एक वर्ड बनाना है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, उसका चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो, ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट अल्फाबेट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर, तीनों अलग अलग होना चाहिए। तो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। तो यहां जो फर्स्ट पे लिखेंगे हम या इधर लिख लो यूनिट की तरफ से, तो किसी 26 में किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 26 हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो हमें रिपीट नहीं करना, डिस्टिंक्ट पूछा है यानी अलग अलग हो, तो हमारे पास एक तो यहां जाएगा 26 में, तो हमारे पास कितने और बच गए, 25। तो सेकंड को फिलअप करने के लिए हमारे पास 25 वेज हो गए। इसी तरह थर्ड को करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कितने हो गए, 24। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे जी, 24 × 25 × 26। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे जी कितने आगे, 25 × 100 यही होंगे भी, देख लेना, और मल्टीप्लाई 26 इससे करोगे तो 00 ये आंसर आएगा, 15,600 वेज। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए इसके, जो आपने इसके अलग अलग लिए थे। समझ आ गया होगा अभी कि अल्फाबेट थे तो फर्स्ट है वो हमारे पास 26 अल्फाबेट होते, फर्स्ट है थ्री डिजिट का है तो बनाना है हमें लेटर, तो फर्स्ट में तो 26 तरह से भर सकते हैं, अगले में 25, अगले में 24। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तीनों की मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाँ कोई भी रिपीट हो सकता है, तो 26 × 26 × 26 तीनों बार 26 × 26 आ जाते, डिस्टिंक्ट नहीं होते। तो नेक्स्ट देखोगे, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 1000 इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट, सभी डिजिट डिस्टिंक्ट हो 100 से लेकर 1000 के बीच में कितने डिजिट ऐसे, कितने नंबर ऐसे हैं, ये तो आप अच्छी तरह समझते हो कि 100 से 1000 के कितने नंबर ऐसे हैं जिसके सभी डिस्टिंक्ट सभी डिजिट हो वो अलग अलग हो। अब पहला तो ये भी 100 से 1000 के बीच में हमें मालूम है कि सभी नंबर वो थ्री डिजिट के ही होते हैं, थ्री डिजिट के होते हैं ना, 100 से लेकर 1000 तक थ्री डिजिट के ही नंबर होंगे, उससे ज्यादा होंगे तो नहीं। अब ये देखो तीनों में अलग अलग, और हमारे पास डिजिट क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही होता 9 तक, तो ये 10 नंबर होते हैं भी, यही तो 10 नंबर होते हैं हमारे इसमें फिलअप करने पे। अच्छा फर्स्ट नंबर पे होगा यहां पर लेफ्ट साइड, यहां पर 0 आएगा नहीं, कि यदि पहले 0 आ गया तो 2 डिजिट का ही नंबर बचेगा, तो इस पे 0 आएगा नहीं, तो यहां पर जहां डिजिट है वो कितनी तरह से भर सकते हैं, अगले 9 में से कोई भी फिलअप कर सकते हो, तो ये नंबर आएगा हमारा 9 वेज से, कोई भी नंबर भर दो 1 से लेकर 9 तक, इसमें से हमने एक नंबर फिलअप कर दिया तो हमारे पास यहां 8 बच गए, 8 हो गई, लेकिन एक 0 भी शामिल होगा इसमें, यहां तो 0 लिख सकते हैं,
तो वापिस हमारे पास कितने नंबर बच गए, नाइन। तो इसको हम नाइन तरह से भर सकते हैं। और यहां नाइन में एक नंबर और ले लिया नाइन, तो हमारे पास नाइन डिजिट थे, तो हमारे पास अब बच गए एट। तो ये डिजिट है वो एट तरह से फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे जी, कितने आ जाएंगे ये, 9 × 9 × 8 81 मल्टीप्लाई एट, तो कितना 8648 वेज ये आएंगे टोटल। समझ गए ना, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर लिखेंगे तो इन्हीं डिजिट का यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है। तो यहां पर फर्स्ट नंबर यानी 100 नंबर पे हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 लिख दिया तो 2 डिजिट का ही बचेगा, पहले 0 किसी काम की नहीं होती। तो इसका मतलब यहां पहले नंबर पे हम 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिखेंगे, तो हम कितनी तक, कितने ऑप्शन है हमारे पास, 9। अब सेकंड के लिए देखो, यहां इसमें से एक लिख दिया तो हमारे पास 8 ही तो नंबर बच गए, और सेकंड नंबर पे 0 भी लिख सकते हैं, तो एक नंबर ही हो गया, फिर वापिस 9 नंबर हो गए, तो इसको भी हम 9 तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें से एक नंबर ले लिया तो 9 में से कितने बच गए, 8, तो अगले को हमने 8 तरह से लिख दिया, क्योंकि रिपीट तो करना ही नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारी ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 to 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 or 9। वो ही क्वेश्चन अभी उसी तरह का, 100 to 1000 के बीच के नंबर निकालने उसी तरह से, और उसके बीच में देखो हमें पता कि क्या कितने डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के ही नंबर होंगे, और वो कहता है कि प्रत्येक नंबर या तो 2 हो या 9 हो, 2 या 9। हमारे फिलअप करने के लिए 2 ही नंबर गिवन है, 2 और 9। तो फर्स्ट नंबर हम यहां पर लिखें तो कितनी तरह से लिख सकते हैं, 2 ही तो नंबर, या तो 2 लिखेंगे या 9, 2 ही तो ऑप्शन है, तो इसको हम 2 वेज से फिलअप कर सकते हैं। सेकंड प्लेस को हम कितनी तरह से, फिर हमने 2 और 9 में से लिखना, 2 ही नंबर ऑप्शन है हमारे पास, 2 ही ऑप्शन, तो इसको भी 2। अगले के लिए भी क्या है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 8 वेज ये आ जाएगा, 8 वेज से हम इसको लिख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 to 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस, 7 इज इन द यूनिट प्लेस, हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 to 1000 100 और 2 1000 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आप चैनल में पूछते भी एक दूसरे से, कितने नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 7 आता है, ये बताओ। तो देखोगे 100 से 1000 के बीच में, वो हमें पता है कि 3 डिजिट के नंबर होते हैं, जो हमारे पास जो फिलअप करने के लिए नंबर क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं होता, तो ये 10 नंबर होते हैं। तो ये देखो यहां पर तो 0 तो आएगी नहीं, 0 आते कि 2 डिजिट का बचेगा, इस 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। तो यहां पर कितने में से भर सकते हैं, 9 में से कोई भी भर सकते हैं यहां पर, तो 9 वेज हो गया फर्स्ट। सेकंड में वो 0 भी आ सकता है, और सेकंड ऐसी कंडीशन कोई नहीं दिया कि वो अलग अलग है, एक जैसे हैं, तो सेकंड के लिए कोई भी 10 ले सकते हैं।
लेकिन थर्ड के लिए कंडीशन है यूनिट प्लेस पे केवल सेवन आना चाहिए। तो सेवन के लिए तो हमारे पास एक ही तो है, एक ही ऑप्शन है सेवन की लिखना है, वो ऑप्शन एक ही हमारे पास सेवन लिखने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ व्हील कितने होंगे भी, 9 × 10 × 1 यानी 90 व्हील, ये आंसर आएगा 9300। समझ में आया भी कैसे कि हमारे पास थे वो यूनिट प्लेस पे बताना है कि यूनिट प्लेस पे सेवन आए, तो हमारे पास जो भी डिजिट नंबर लिखते हैं वो हमें यूनिट 10 डिजिट से लिखते हैं। तो फर्स्ट डिजिट पे जीरो तो आएगा नहीं, नहीं जीरो नहीं आएगा तो हमारे पास 9 ही नंबर है, तो इसको हम 9 तरह से भर सकते हैं। सेकंड के लिए ऐसा कोई है कि रिपीट हो न हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो सेकंड में हमारे पास 10 के 10 नंबर है अवेलेबल, तो 10 में से किसी को भी लिख सकते हैं, तो 10 फैक्टर हो गया हमारे पास। लेकिन लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे तो 7 ही आना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है 7 का, तो ये 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये आ जाएगा 90। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फाउंड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। देखो हमें वर्ड दे रखे हैं स्माइल, स्माइल टेकिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, नो लेटर बींग रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। अच्छा देखो कितने वर्ड है इसमें, 5 है, तो 5 लेटर के सभी का यूज करके 5 लेटर के तो वर्ड बनेंगे, विदाउट मीनिंग हो चाहे किसी तरह के हो, ये दिख रखा है ऑल ऑफ द वर्ड कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल टेकिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, नो लेटर बींग रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये देखो भी हमारे पास 5 वर्ड है, 5 लेटर है, तो फर्स्ट भरेंगे तो इन 5 में से कोई भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि ऐसे ही पहले आए, एम भी आ सकता है, आई भी, एल भी, ई भी, तो पहले के लिए हमारे पास 5 वेज हो गए। सेकंड प्लेस के लिए हमें एक तो यहां पर लिख दिया, 5 में से एक लिख दिया, तो 4 ही तो लेटर बचेंगे, तो सेकंड के लिए कोई 4 में से एक लिखेंगे यानी 4 वेज हो गया। अगले के लिए 3 बचेंगे, उसके अगले के लिए 2, उसके लिए अगले के लिए 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 120 वेज, ये आ जाएंगे 120 वेज आ जाएंगे। कैसे भी समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 5 लेटर थे, 5 डिजिट, 5 प्लेस हैं, तो पहला लिखने के लिए हम पांचों में से कोई भी एक लिख दें, एक लिख दिया तो हमारे पास 4 तो स्थान रह गए और 4 ही लेटर रह गए, चारों में से अगले में लिखने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, किसी को भी लिख सकते हैं, तो 4, उससे अगले के लिए 3, 2 लेटर हमने यूज कर लिए, 3 लेटर और बच गए, तो अगले प्लेस के लिए 3 में से कोई भी लिख सकते हैं, थर्ड भी आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 लेटर बच गया, अगले में से 2 फिर 1, सबकी मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाए। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हाउ मैनी 3 डिजिट कोड नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लेटर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मैनी 3 डिजिट ओड नंबर, 3 डिजिट ओड नंबर बनाना है, 3 डिजिट का ओड नंबर, व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे पास देखो ये दिए हुए हैं डिजिट, 6 नंबर दिए हुए हैं, और कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का, वो भी ओड बनाना है, और पहले में क्या है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना,
तो ये देखो पहले ओड बनाने के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7 जो भी आना चाहिए। तो यहां पर देखो ओड के लिए या तो 1 आए या 3 या 5, 3 डिजिट है हमारे पास ओड बनाने के लिए। तो पहला जो नंबर बनाएंगे वो कितनी तरह से बना सकते हैं, हम तीन ही नंबर फिलअप कर सकते हैं, या तो 1 या 3 या 5 यूनिट डिजिट पे तभी वो ओड नंबर बनेगा। तो ये प्लेस कितने तरह से बन सकते हैं भाई, 3 तरह से। इन तीनों में से एक लिख दिया हमने, मान लिया हमने 3 लिख दिया, तो अब हमारे पास नेक्स्ट भरने के लिए कितने ऑप्शन बचे, 5 ही तो डिजिट बचे, उसके आगे तो ओड इवन सब चलेंगे। हमें तो ओड बनाने के लिए एक ही नंबर तो चाहिए थे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 5 बचे, तो 5 में से किसी को लिख सकते हो, यहाँ एक लिख दिया तो हमारे पास 4 बच गए, तो इसको लिखने के लिए 4 वेज हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएंगे भी, 4 × 5 × 3 ये आ गए 60 वेज, ये हो गया अभी 60 वेज। नेक्स्ट इसी का है अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीट हो सकते हैं, हो गए तो पहला तो हमें को पता है अभी पहला डिजिट तो हम रिपीट होंगे, तो पहला तो ओड बनाने के लिए तीन तीन में से तो भरना पड़ेगा, ये तो 3 ही रहेगा। लेकिन सेकंड नंबर पे भी जो यहां लिखा है वो लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास टोटल कितने बच गए, 6 बच गए, ये 6 हो जाएगा। और अगले के लिए भी रिपीट कर सकते हैं, अलाउड है, तो फिर भी 6 ही नंबर है हमारे पास इसको फिलअप करने के लिए। तो ओड के लिए टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे अभी, 6 × 6 × 3 108 वेज, ये हो गए। समझ में आया भी, पहले क्या था 6 लेटर है हमारे पास, 6 नंबर है, 3 डिजिट का नंबर, एक ओड बनाना है, तो ओड बनाने के लिए हमें पता है यूनिट प्लेस पे ओड नंबर होगा तभी ओड नंबर बनेगा वो। तो यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5 इस किसी एक का लिखे, 3 ही तो है हमारे पास, 1, 3, 5 उनमें से एक को लिखने तो 3, और रिपीट हमें अलाउड नहीं करना, तो एक लिख दिया तो टोटल नंबर हमारे पास 5 और बच गए, तो सेकंड 5 तरह से, एक यहाँ लिख दिया तो फिर थर्ड है वो उसके लिए 4 ही बचे, यानी 4 तरह से। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, जब रिपीट नहीं है और रिपीट होंगे तो पहले ओड बनाने के लिए तो इन तीन में से यूज करेंगे, पहला तो ओड 3 में से होगा, लेकिन अगले के लिए रिपीट कर सकते हैं, तो हमारे पास वो 6 नंबर हो गए 6, और फिर रिपीट कर सकते ये 6, तो इसके ये हो गए 108। तो इस बेस पे ये एक्सरसाइज करें, बिल्कुल सिंपल है, फिर भी प्रॉब्लम हो तो भी पूछ लेना, ये तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।